अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज रोड शो कर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने जनता को धोखा दिया है। बीजेपी जो कोशिश कर सकती थी कोशिश की है और आगे भी करेगी। जनता आखिरकार देख रही है कि केंद्र सरकार के 5 बजटों में क्या मिला है। किसान को धोखा मिला, नौजवान को नौकरी नहीं, जितने वादे किए थे अगर एक पे भी खरे भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरे हों तो वो वादा हमें बता दें। अच्छा, तीसरे मोर्चे जो आपने गठबंधन किया उससे क्या आशा है, क्या चेंज परिवर्तन आए? मैं ये कह सकता हूँ ये समर्थन दिया है। 2 उपचुनाव जहाँ होने जा रहे हैं, अभी आगे की रणनीति क्या होगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं कह सकता हूँ तमाम दल जो उत्तर प्रदेश के 2 उपचुनाव में एक साथ आए हैं ये एक अच्छी शुरुआत है। आने वाले समय में अगर सब नेतृत्व बैठेगा तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा जो सब दल एक साथ होकर के आगे की लड़ाई लड़े। हालांकि बीएसपी नेताओं ने अखिलेश के इस रोड शो से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। वहीं अखिलेश के स्वागत में सपाइयों ने जगह जगह जो मंच लगा रखा था उस पर बीएसपी का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया। अखिलेश के रथ व साथ चल रही बड़े नेताओं की गाड़ियों पर बीएसपी का नीला झंडा भी कहीं नहीं दिखाई दिया। अखिलेश के काफिले में स्थानीय नेताओं की इक्का दुक्का गाड़ियों में ही सपा और बसपा दोनों के झंडे लगे हुए थे। न्यूज ब्यूरो।